नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनय कुमार विनायक और इस जो वीडियो है माननीय प्रियंका गांधी जी की थोड़ी बातों के ऊपर। अभी भी जो एक बात आया कि प्रियंका गांधी जी ने बोलती है चौकीदार सिर्फ अमीरों के लिए, किसानों के लिए नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं भी चौकीदार का अभियान शुरू किया है। ये जो अभियान जो है उसका मतलब है, उन्होंने समझाया है, बोला है कि चौकीदार, मैं भी चौकीदार का मतलब जिन जिन व्यक्ति जो जो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, जो भ्रष्ट व्यवस्था के खत्म करने के लिए, भ्रष्ट व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो आवाज उठाता है वो सब चौकीदार है। लेकिन ये जो बात को समझते नहीं माननीय प्रियंका गांधी जी, पता नहीं क्यों इसको थोड़ा भी समझ में नहीं आता है। इनको क्या बोलना है इस समय में। अच्छा, पॉइंट पे आ जाएंगे। किसानों के लिए चौकीदार नहीं, क्या किसानों के लिए चौकीदार नहीं, कौन कहा है किसानों के लिए चौकीदार नहीं है? सबके लिए चौकीदार है और सब जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ता है चौकीदार है। उनको पता है कि नहीं, इटाली में शायद खेतीबाजी काम जितना जो इंडिया में होता उतना नहीं होगा, इसके लिए शायद उनको पता नहीं होगा जो ये जो चौकीदार क्या है और माननीय किसान लोग क्या है। किसान जो है एक दिन से लेके दो महीना, तीन महीना, चार महीना, छह महीना, एक साल, दो साल और कभी कभी पांच दस साल तक उनका खेती में जो फसल है, जो चीज है उसको देखभाल करता है। खेती में सिर्फ आम अनार ही नहीं मिलता है, खेती में सब्जी से लेकर पेड़ पौधे तक बहुत कुछ हमारे किसान काम करता है। इसके लिए कहते हैं कि जय जवान जय किसान। ये बात लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था और ये बात पता नहीं क्यों माननीय प्रियंका गांधी जी को ये इसके बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं है। इस देश में हम, हमारा चौकीदार है और थोड़ा लोग कांग्रेस के लोग भी थोड़ा सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, चौकीदार को नेपाल से बुलाएंगे, हमको चौकीदार नहीं चाहिए, हमको प्रधानमंत्री चाहिए। शर्माना है इनको। हमारा जो देश, हमारा जो परंपरा, हमारा जो संस्कृति है वो सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हम सब, सब जानवर, पेड़ पौधे, सब चीज, सब इंसान, सब जात के, सब धर्म के, सब जगह के जितना भी लोग है, जितना भी जानवर है, जितना भी पेड़ पौधा है, जितना भी जीवाणु है, सब ऊपर वालों का बच्चा है, ऊपर वालों के फैमिली ट्री से है। ये संस्कृति, ये परंपरा इस देश की, इस जगह की इनको मालूम नहीं और ये लोग कहते हैं इधर से लाएंगे, उधर से लाएंगे। क्या मजाक उड़ा रहे ये लोग। मैंने तो इस बात में हंसना या रोना या गुस्सा होना, क्या करना पता नहीं, और इन जैसा लोगों का बात उठा के बात करना वो भी पता नहीं। लेकिन जब भी ऐसा बुरा बात होगा, इनको थोड़ा भी
आज तक 70 साल हुए, आज तक कोई भी आदमी हमारा देश में हमारा प्रधानमंत्री का इज्जत खराब नहीं किया, जो जितना आजकल हो रहा है सोशल मीडिया पे और आगे पीछे जो बात कर रहे लोग, इतना इतना सालों में नहीं हुआ। अच्छा, ये हो रहा था कि जो गलत करता उसका नाम लेते बोलते और इधर ही इंटरनली बोलते बात करते थे, लेकिन आजकल जैसा हो गया इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश होने तक ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिधर मिला उधर स्टेटमेंट देता है, बच्चों की तरह। बच्चों से ज्यादा छोटा दिमाग वालों की तरह आप जानो, देश की प्रधानमंत्री का इज्जत निकालना भी एक है, देश के 125 करोड़ लोगों की इज्जत निकालने का भी एक है। इसके लिए मैं बोलता हूं, देश का कोई भी व्यक्ति का, कोई भी संपत्ति का नाम बुरा मत कीजिए। जो गलत है गलत के ऊपर बात कीजिए, जो गलती किया है, जो प्रूव हुआ है विथ प्रूफ, विथ एविडेंस विच इज प्रूव्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, देन वन हैज टू टॉक। ये चुपके छोटा पॉलिटिकल माइलेज के लिए ऐसा काम मत कीजिए, भारत का इज्जत मत निकालिए। भारत को इज्जत करते तो जोर से कहिए भारत माता की जय, जय भारत, जय कर्नाटका, जय विश्व। ಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಟಿವಿ ILRCK ಅಧಿಕೃತ ಟಿವಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಟಿವಿ.